सो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इनसाइड फैक्ट्री। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों को भी म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है और बेस के साथ गाने सुनने का शौक है तो आप लोग आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दरअसल आज हम आपको बताएंगे कि खुशनुमा बना देने वाली होम थिएटर को आखिर फैक्ट्रियों में कैसे तैयार किया जाता है, और अगर आपको फैक्ट्री में एरोप्लेन को बनते हुए देखना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों, आज हम होम थिएटर के सभी गुप्त राज से भी पर्दा उठाने वाले हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। होम थिएटर के अच्छे बेस के लिए इसमें बूफर बॉक्स को लकड़ी का बनाया जाता है ताकि बेस इफेक्ट अच्छा मिले। तो सबसे पहले मजबूत लकड़ियों को लेकर उसकी पतली सीट तैयार कर ली जाती है। तैयार हो जाने के बाद इन सीटों को इकट्ठा कर उसकी फिनिशिंग करके उसे बूफर के शेप में बदल दिया जाता है। फिर इस सभी को चिपका कर बूफर का शेप दे दिया जाता है। सामान्यतः इसके ऊपर फाइबर की कोटिंग चढ़ाई जाती है। अब इन बूफर बॉक्स को आगे असेंबली लाइन में भेज दिया जाता है। उसके बाद इसमें हाइनेस केबल और एफएम एंटीना को इंसर्ट किया जाता है, जिन्हें बाद में पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। अब एक अलग असेंबली लाइन में लगभग 20 वॉट के बेस स्पीकर को बनाया जाता है। फिर इन बेस स्पीकर को इस पीसीबी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए ट्रांसफार्मर को जोड़ा जाता है। अब इन सभी प्रोसेस के बाद इसमें बैक पैनल को तैयार किया जाता है, जिसमें स्पीकर्स आउटपुट किए जाते हैं तथा दो इनपुट को भी दिए जाते हैं। इसी प्रकार चार चार के जोड़े में एक अलग असेंबली लाइन में एम्पलीफायर स्पीकर्स को रेडी कर लिया जाता है। असेंबलिंग कंप्लीट होने के बाद स्पीकर्स को एफएम एसडी यूएसबी और स्पीकर्स आउटपुट टेस्ट पास करना होता है। इसके बाद टेस्टिंग रूम में सिस्टम की वॉल्यूम जैसे चीज़ों का चेक किया जाता है। यहाँ बूफर्स की बेस वोकल इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी को कंप्यूटर द्वारा चेक किया जाता है। बूफर्स की टेस्टिंग हो जाने के बाद इसे फाइनली पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर स्पीकर्स के चार सेट और रिमोट के साथ बूफर की पैकिंग की जाती है। इस फैक्ट्री में एक दिन में करीब 5000 म्यूजिक सिस्टम को बनाया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने आखिर होम थिएटर को फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में आखिर कौन सी कंपनी की म्यूज़िक सिस्टम है। तो अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल इनसाइड फैक्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ, फेस मास्क ज़रूर लगाएं।